अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मुदस्सिर अमीन। कैसी हैं आप सब लोग? उम्मीद करती ठीक होंगी। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, खुश रखे, बाद रखे। आज हम तारकशी का बहुत ही ब्यूटीफुल सा और बहुत ही आसान सा नेक डिज़ाइन बनाएंगे। तो इसके लिए हमने ये लोन का फैब्रिक है, उसको पहले हमने शीलिंग किया, फिर हमने इसके धागे निकाले। इसके ऊपर हम स्टिचिंग वाली नलकी का धागा लगा रहे हैं। आप अपनी चॉइस का ले लीजिएगा, जो है वो एंकर थ्रेड ले लें आप, उसके अलावा स्टेपल ले लें, अगर रेशमी थ्रेड भी लें वो भी बहुत ज़्यादा बेस्ट है। और लेकिन मैं ये यहाँ पर स्टिचिंग वाली नलकी से बना रही हूँ, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो सबसे पहले मैंने ये देखो 1 इंच की चौड़ाई पर ये 10-10 धागे निकाले हैं बाहर वाली साइड से, फिर सेंटर से हमने 10 धागे निकाले हैं। उसके बाद मैंने 1-1 इंच का गैप देते हुए इस तरह से धागे निकाल लिए हैं। बहुत ही आसान सा तरीका है और बहुत जल्द भी बन जाता है। उसके बाद मैंने ये जो धागा है ना, ये हमने यहाँ पर 4 धागे डाले हैं। पहले तो हम 2 धागों से ही तारकशी करते हैं, लेकिन आप 2 धागों से भी कर लें। तो मैंने टाइम बचाने के लिए ये 4 धागे डाले हैं कि मुझे डबल स्टिच ना लगाने पड़े। तो आप भी इसी तरह से लगा लीजिएगा। तो डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लिया करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वीडियो को पूरा देखा भी करें। तो हम वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखो, हम सेंटर में इस धागे का को स्टिच लगाएंगे। ये बॉर्डर है, आप ये लेडीज़ के शर्ट पर भी बना सकती हैं, दुपट्टे पर और बाजू पर भी बना सकती हैं। इस तरह से ये देखो हमने धागे को की गिरा लगा ली है। अब इस तरह से हमने हाफ धागों के नीचे से सुई को गुजारना है और हाफ के ऊपर से इस तरह से। तो दूसरा स्टिच हम इस तरह से लगाएंगे, जिसके ऊपर से गुजारा था उसके नीचे से, और इसी तरह से हम यहाँ पर फिलिंग कर लेंगे। आप अगर लेडीज़ का बना रही हैं तो आप धागे की कंट्रास्टिंग भी कर सकती हैं। ये नेक बनाना बहुत ही आसान है। इस तरह से करने के बाद फिर हम इस तरह से करेंगे चारों तरफ। हमने इसी तरह से हाफ हाफ ऊपर हाफ नीचे करके इनकी फिलिंग कर लेनी है। मैंने ये सारे तारकशी के डिज़ाइन अपने बच्चों के की शर्ट्स पर बनाए हैं। कुछ मैंने सिलाई कर लिए हैं, कुछ रहते हैं। जब सारे सिलाई होगा उनकी भी मैं आपके साथ वीडियो अपलोड करूंगी, आप देख लीजिएगा किस तरह से ये और कितने खूबसूरत लगते हैं। तो इस तरह से हम ये देखिए, अब इधर भी हाफ के नीचे से। तो ये देखियो मैंने ये 4 धागे डाले हैं, तो मुझे जल्दी हो रहा है। और थोड़ा सा बारीक धागा अगर होता तो मुझे ज़्यादा यहाँ पर स्टिच लगाने पड़ते, इसलिए मैंने धागे को ही डबल कर लिया ताकि मेरा टाइम बचे और काम जो है वो भी बहुत प्यारा हो जाए। जो डिज़ाइनिंग के ये देखो अंदर वाली फिलिंग थी वो हमने कर ली है। अब हम बाहर वाली साइड पर आएंगे इस तरह से। अब हम इस कोने में आ जाएंगे और यहाँ पर हमने करना क्या है, ये देखिए इतने से धागे हमने उठाने हैं और दूसरी तरफ से भी इतने से ही हम उठाएंगे धागे। तो इस तरह से हमने डिज़ाइन को बनाना है। ये देखो ये जो धागे हमने उठाए हैं ना, ये आपको नज़र आ रहे हैं, उतने ही धागे इधर हम छोड़ कर सुई को बाहर निकाल लेंगे इस तरह से। ये देखिए अब धागा हमारा ख़त्म हो गया और डाल ये जो एक तरफ हमने डिज़ाइन बनाया है, यही डिज़ाइन हम चारों तरफ बना लेंगे। हमने न्यू धागा डाल लिया है और उसी तरह से हम अब डिज़ाइन को बनाते जाएंगे। Oh,
ये मैं इसके अंदर पर्ल लगा रही हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप लगाना चाहते हैं तो लगा लें, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। ये देखिए, आप इससे छोटा या बड़ा भी लगा सकती हैं, आपकी अपनी चॉइस है। तो हम दूसरा नेकअप बनाकर आपको दिखाते हैं। देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, और ये एक घंटे में ये नेक बनकर तैयार भी हो जाता है। प्यारी प्यारी सिस्टर, ये देख लें डिज़ाइन हमारा बनकर तैयार है। मैंने इस यहाँ पर मैं इसकी फट्टी लगाऊंगी। मैंने फट्टी की एक साइड पर बनाया है, आप अगर दोनों साइडों पर भी बनाना चाहें तो आपकी अपनी मर्जी है। बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा, इस तरह से भी बहुत प्यारा लग रहा है। तो मैं उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को भी लाइक शेयर कीजिएगा, दो में भी याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।